गुरुभ्यो नमः श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः श्री हनुमान देवताभ्यो नमः। सभी को जय श्री राम जय हनुमान। आज हमारे इस सुंदर ठाकुर द्वारा में आंध्र प्रदेश से पधारे हुए शेष पावना जी स्वामी जी महाराज, आज यह जो ठाकुर द्वारा है बहुत प्राचीनतम है और अपनी संस्कृति हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी धरोहर है। लगभग यह 700-800 पुराना ठाकुर द्वारा है। यहाँ पर 9 या 10 महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन इस ठाकुर द्वारे में एवं भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति में लगा दिया है। सारा जीवन अपना यहाँ पे तपस्या करते रहे हैं और आगंतुकों की सेवा करते रहे हैं। जैसे लंगर प्रसाद हुआ, सभी को आश्रय मिलता रहा है इस ठाकुर द्वारा पावन प्रांगण में। जो भी भक्त जैसे भी आया, जिसको जो भी दुख हुआ, वो इस ठाकुर द्वारा में आकर सिद्ध महापुरुषों की सानिध्य में आकर भगवान श्री सीताराम जी के चरण में आकर के बहुत सुख पूर्वक यहाँ से प्रसन्नता होकर गया है। दुख होकर कोई भी नहीं, दुखी होकर कोई भी नहीं गया। यह सिद्ध महापुरुषों की कृपा है। आज भी यहाँ पर हमारे सभी महापुरुष जिन्होंने अपना शरीर त्याग कर और साक्षात यहीं पर विराजमान है, आज भी उनकी कृपा हम सभी को समय समय पर प्राप्त होती रहती है। जो भी इस ठाकुर द्वारे में आता है अपनी श्रद्धा के अनुसार, जो जिसकी जैसी मनोकामना होती है, सिद्ध महापुरुष भगवान श्री सीताराम जी उस मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हम सभी संत महापुरुषों की यही आशा है कि हम आने वाले समय में सभी को जितनी सुंदर व्यवस्था हो सके, जो हम लोग सेवा दे सके, वह सतत हम सभी का प्रयास है। जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम। अब श्री राम जी हमको सारा मंदिर का दर्शन करवाएंगे और उसके साथ हम बाबा जी का भी परिचय देखेंगे। सर्वप्रथम हम श्री राम दरबार में चलते हैं। यह अद्भुत मंदिर बड़ा प्राचीनतम, लगभग आज से 150-200 साल पूर्व में हमारे यहाँ सिद्ध महापुरुष महान श्री जमुनादास जी महाराज हुए हैं। उन्हीं के कर कमलों द्वारा यह मंदिर का निर्माण संभव हो पाया है। जो भी ये आप श्री राम दरबार के सुंदर भव्य दर्शन कीजिए, श्री सीताराम जी महाराज की बड़ी प्राचीनतम मूर्ति है, साक्षात विग्रह उनका विराजमान है। अब हम हनुमान जी महाराज जी का दर्शन करेंगे। उन्हें हनुमंत बलवंत लाल की जय। सुंदर भव्य तुलसी माता के दर्शन, बड़ा एक प्राचीन। अब हम श्री भगवान भोलेनाथ के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। ये नर्मदेश्वर महादेव जी, नर्मदेश्वर महादेव की बड़ी महिमा गायन, ये साक्षात माता नर्मदा जी के, नर्मदा जी से प्रकट होते हैं। इनमें एक और विशेषता है, नर्मदेश्वर की ये साक्षात विग्रह जो नर्मदेश्वर महाराज का शिवलिंग है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। जहां भी विराजमान हो जाते हैं वो स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाते हैं, इनमें प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोली नर्मदेश्वर महादेव। अब ये हमारे जितने भी यहाँ के गद्दी चली आए थे, उन्होंने यहाँ पर आके बाबा श्री लाल गुलाल दास जी महाराज हुए हैं। बहुत सिद्ध संत आज से 200-250 वर्ष पहले हुए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने आकर सर्वप्रथम धूना लगाया। अपना धूना लगाने की एक बहुत बड़ी कारण
कथा है, गांव वाले बताते हैं कि बाबा जी जब यहाँ लाल गुलाल बाबा जी अपनी धुनी तापा करते थे, तब यहाँ सभी मुसलमानों का बोलबाला था उस समय। तो जो मुसलमान नवाब था ना, उसने बाबा जी को मरवाने के लिए सिपाही को भेजा। जब सिपाही जलंधर से चला, जलंधर से आया, उसने पूछा कि यहाँ एक मनन है, वहाँ राम मंदिर है, ये सिद्ध कोई यहाँ पर रहते हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पूछते पूछते वो आया, बाबा जी यहाँ पर बैठे विराजमान थे, अपनी धुनी गवाए हुए थे, अपनी तार भगवान के चरणों में उनकी लगी हुई थी। उसने दूर से ही देख कर समझ गया कि यही बाबा जी हैं, यही हिंदू धर्म की प्राण बचाए हुए हैं और अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने दूर से ही पास में आकर, थोड़ी नजदीक आकर अपनी बंदूक से उन्होंने जैसे ही फायरिंग की तो गोली कभी इधर चली जाए कभी उधर चली जाए, बाबा जी को कुछ भी नहीं हुआ। बाद में अंत में वो हार कर बाबा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उनसे माफी मांगी। महापुरुषों ने कहा कि चल बच्चे, मैं तो आपको माफ करता हूँ, पर तेरी जो मृत्यु है ना, वो तेरे लोग ही तुझको मारेंगे। सच में ऐसा ही हुआ। जब वो जाने लगा तो बताते हैं कैसे जाते जाते वक्त कहीं रास्ता भूल गया, रास्ता भूलते भूलते वो और कहीं चला गया। तो जो उनके लोग जो उनके भी लोग बात थे ना, उन्होंने देखा कोई बंदा आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है, साथ में बंदूक लिए हुआ है, पता नहीं हमारा एक दुश्मन तो नहीं होगा। उन्होंने दूर से ही देख कर उस पर वार कर दिया और उसे गोली से मार दिया। जब जाके उन्होंने नजदीक देखा, बोले ये तो हमारा ही है, मुसलमान ही है, हमने अपने ही आदमी को मार दिया। तब उसने कहा कि आपका कोई दोष नहीं, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझे उन महापुरुषों ने बताया था कि आपकी ऐसी ऐसी मृत्यु होगी, पर मैंने तो सबक मुझे जिंदा जीते ही ये चीज मिल गई, पर आप कभी भी दोबारा अपनी हिम्मत भी नहीं करना है। और नवाब से बता दीजिएगा कि वहाँ पे वो सिद्ध महापुरुष हैं, पहुंचे हुए संत हैं, कभी भी वहाँ पे जाके मस्तक ही नवा के आना, उनके प्रति कोई अशब्द नहीं बोलना, ना उनको छेड़ना कभी, सिद्ध महापुरुष है, उन्हीं की श्राप से मुझे आज ये दुर्गति हुई, मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा। बोलिए बाबा लाल गुलाल जी महाराज की जय। अब हमारे जो अभी गद्दी नसीब महंत श्री श्री 108 श्री मणिराम दास जी महाराज, अभी वर्तमान में गद्दी नसीब महंत जी है, इन्हीं के द्वारा इस आश्रम की सुचारू व्यवस्था चल रही है, सभी सुचारू व्यवस्था इन्हीं के थ्रू चल रही है। अभी वृंदावन से पधारे श्रीमद् भागवत कथा व्यास, बहुत ही सुंदर यहाँ साप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का रसास्वादन हुआ एवं फ्री मेडिकल कैंप की व्यवस्था कराई गई। जनहित में अनेकानेक कार्य करने की हमें प्रेरणा सिद्ध महापुरुषों से मिलती रही है और आगे भी यह सतत चलती रहेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर प्राचीनतम, देखिए पीपल का वृक्ष एवं साथ में नीम का वृक्ष। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, भगवान ने स्वयं कहा। यहाँ पे बहुत ही प्राचीनतम सुंदर पीपल वृक्ष एवं साथ में बेल वृक्ष, बहुत सुंदर ही नजारा दृश्य। हमारे सिद्ध महापुरुषों ने यहाँ बहुत ही तपस्या की, अपना सारा जीवन इसी में व्यतीत कर दिया, तपस्या में लीन रहे। और अब हम सिद्ध महापुरुषों की समाधियों का दर्शन कराना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत इनकी व्याख्या करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं। इन्होंने यहाँ पे सारा जीवन अपनी अपना जीवन तपस्या में लगा दिया। उस समय आपको पता ही था कोई संसाधन नहीं होते थे, फिर भी इन सिद्ध महापुरुषों ने अपनी धुनी लगाकर एवं जल पीकर तपस्या की, सारा जीवन अपना व्यतीत कर दिया तपस्या में। उन्हीं तपस्या का फल स्वरूप है आज यह श्री ठाकुर का उन्नति
कर रहा है एवं सभी भक्तों की यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी सच्चे दिल से यहाँ पे समाज में आकर मत्था टेकता है, भगवान एवं सिद्ध महापुरुष समाधा वाले उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।